वेलकम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस पोटैटो डोनट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे हम हल्का सा सौते कर लेंगे। लहसुन को थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं चिली फ्लेक्स। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे हम, मगर इसे जलाना नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप पानी। पानी को हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है। पानी को बॉईल आ चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 100 ग्राम चावल का आटा। चावल के आटे को हमें अच्छी तरह से इसमें पका लेना है। इसमें जो 1 कप पानी मैंने ऐड किया था, वो पानी ये चावल का आटा पूरी तरह से इसे सोख लेगा। आटे को हम अच्छी तरह से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, आटा अब ठंडा हो चुका है। इसमें ऐड करूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है बॉईल करके। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गूंदते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे अच्छे से गोले की शेप में हमें बना लेना है। ये देखिए, आटे का गोला बना लिया है मैंने। अब हाथों को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और इस गोले को मैं अब रोल की शेप में बना लूँगी। यहाँ पर जो रोल मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है, एकदम ज़्यादा पतला नहीं हमें बनाना है। इस तरह से हम रोल बना कर लेंगे और इसे 2 हिस्सों में काट लेंगे। मैंने जो पीस कट कर लिया था, उसे मैं अच्छी तरह से रोल शेप करूंगी इसका। ये देखिए, अच्छे से रोल में शेप करने के बाद में इसे हम कट कर लेंगे। इवनली पीसेस इसके हम बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये जो पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, उन्हें एक एक करके हम हथेली पर इस तरह से पेड़े के शेप देंगे और इसमें उंगली की मदद से गड्ढा बना लेंगे, ताकि ये डोनट का शेप ले लेंगे। इसी तरह से हम सारे डोनट बना के तैयार कर लेंगे। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि हमारे हाथों को हमें तेल से ग्रीस करने देना है, ताकि जो ये आटा है वो हमारे हथेली को चिपके नहीं। इसी तरह से मैंने सारे डोनट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तलने की प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर लिया है। इसमें एक एक करके हम सारे डोनट्स छोड़ लेंगे, लेकिन हमें इसे फौरन ही हिलाना नहीं है, इसे अपने आप ही फ्राई होने देना है। ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें हम एक एक करके पलटाएंगे। इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें फ्राई करना है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें हम अब निकालेंगे। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी डोनट्स की रेसिपी बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। अपना ख्याल रखिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। बाय।